अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोमी बाबा गेमिंग चैनल। तो यार काफ़ी भाई, काफ़ी ब्रदर यार मेरे को बोले थे यार भाई हमारा जो मेरिड है ना यार वो गिर गया, तो भी हमारा हम अपना मेरिड कितना करेंगे कि फिर भाई हम रैंकेड जो मूड है ना वो हम खेल पाएंगे। एंड इसके अलावा यार काफ़ी भाई मेरे को बोले थे कि यार हम अपना जो मेरिड है ना पबजी मोबाइल का या BGMI का से हम अपना मेरिट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। सी अगर आपका मेरिट गिरा हुआ है ना तो आप लोग अपने फिर मेरिट को सी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। इसके अलावा यार काफ़ी ये भी पूछ रहे थे कि भाई यार हमारा जो मेरिट है ना वो कितना होगा फिर हम खेल पाएंगे रैंकड मोड। सही है, इसके अलावा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो बता भी दूंगा कि भी आपका जो मेरिट है ना असल किस वजह से गिरता है, वो भी चीज़ें सारा फुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा। बाकी यार इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक एक चीज़ फुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा ताकि फिर आइंदा आप लोग ये चीज़ों का ख्याल करें तो फिर आपका जो मेरिट है ना वो फिर गिरेगा नहीं, और भी इंक्रीज़ करने का भी ट्रिक बता दूंगा। बाकी यार अगर पबजी के सच्चे लवर हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगर सच्चे लवर हो ना तो कर लेना, जे आर कर लेना, कुछ भी नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो भाई आपका जो मेरिट है ना वो कितना होगा फिर आप लोग अपना जो रैंकड मूड है ना वो खेल पाओगे। तो भाई इसके लिए आपका जो मेरिट है ना 85 मेरिट अगर आपका हो जाता है ना तो फिर भाई आप लोग रैंकड मूड नहीं है ना यार ये खेल पाओगे इजी से। सही है, बाकी यार आप लोग अपना जो मेरिट है ना उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकें इसका एक ही सलूशन है, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। भाई आप लोग रैंकड मूड तो खेल नहीं सकते हो, आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे आ जाना है। सही है, सोलो ही लगेगा और कोई दूसरा लगेगा नहीं है। सही है, सोलो लगा लेने और TPP FPP आप लोग दोनों से एक चॉइस कर लेना, मैं तो करता हूँ, आप लोग FPP से कर लेना तो सही है, इसमें सारे वोट आ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर सोलो FPP लगा देने और स्टार्ट कर लेना है, फौरन ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना जितना अच्छा मैच होगा जितना अच्छे किल होंगे ना सोलो के अंदर, सही है, और उतना ही जल्दी फिर आपका जो मेरिट है ना फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सही है, एक दिन में आप लोग सही है सिर्फ और सिर्फ 10 से ले कर समझ लो कि 8 से 10 मेरिट इंक्रीज़ कर सकती हो, एक दिन के अंदर 7 से लेके 8 मेरिट इंक्रीज़ कर सकते हो। समझ लो कि आपने सोलो के अंदर डेली बेसिस के हवाले से 10 मैचेस खेलने हैं, वो भी अच्छे मैचेस खेलने हैं, ऐसे बस फालतू नहीं खेलने हैं, 10 मैचेस अच्छी तरीके से खेलने हैं, एंड में आखिर टॉप 10 में आ जाने फिर किल हो जाने। इससे क्या होगा, सही है, आप लोग किल हो गए या मिसाल कोई चिकन डिनर भी निकालोगे ना तो एक मैच का आपको मिलेगा एक मेरिट, एक इंक्रीज होगा। इसी तरीके से आपने कितने 7 से 8 मैचेस डेली खेलने हैं तो 7-8 मेरिट आपका डेली बेसिस के हवाले से इंक्रीज होगा। जैसे ही आपका जो मेरिट है ना 85 हो जाएगा ना तो फिर आप लोग फिर खेल पाओगे रैंकड मोड। जैसे भाई आपका भाई है ना, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ना तो भी मेरा जो मेरिट है ना वो तो बिल्कुल सेंचुरी लगाया हुआ है, 100 है भाई, सचिन तेंदुलकर की तरह, बाबर आजम की तरह भी हमने यहाँ पे सेंचुरी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे रूल्स में हम आ जाते हैं भाई, अगर भाई आप लोग अपने कोई भी टीममेट हो ना उसको अगर ग्रेनेड करते हो ना तो उससे भी क्या होता है कि भी आपका जो मेरिट है ना वो गिरता है मेरिट। अगर आपको मिसाल गलती से भी अगर आपके कोई टीममेट को ग्रेनेड वगैरह लग गया ना तो उस टाइम पे उस टीममेट के सामने एक ऑप्शन आता है तो उसको कह लेना कि अलाउ लूटिंग करे, तो इससे क्या होगा कि फिर आपका मेरिट गिरेगा नहीं। एंड इसके अलावा यार जो आपका मेरिट गिरता है ना वो गिरता है जब आप लोग मैच को स्टार्ट कर लेते हो ना, लॉबी के अंदर चले जाते हो, लॉबी के अंदर वहाँ पे जाते हो, आप लोग बोलते हो यार ये लॉबी तो सही नहीं है हम कट करके बाहर आ जाते हैं, या आपका कोई फ्रेंड वगैरह दूसरा आ जाता है बाहर वो आपको कहता है कि यार जल्दी आ जा, तो इसे अगर आप लोग लॉबी के अंदर जाके बाहर आ जाते हो ना तो समझ लो कि अगर 3 बार से ज़्यादा आप लोगों ने लॉबी पे गए और वापस एग्जिट करके बाहर आ गए हो ना तो इसके आप लोग इससे क्या होगा कि आपका मेरिट गिर जाएगा। सही है, स्पॉन हम मैच को स्टार्ट करते हैं ना, स्पॉन आइसलैंड पे जाते हैं तो वहाँ से सेकंड चले होते हैं 50 सेकंड, तो अगर आप लोग वहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हो ना, सही है, 3 दफा से ज़्यादा अगर ऐसे करते हो ना तो फिर भी आप लोगों का मेरिट गिरता जाएगा इसी वजह से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यार अगर कोई भी बात पूछना चाहते हो ना तो नीचे कमेंट कर लेना। सर्वाइव एंड द भाई कौन करा डन है नंबर में मालवाणी है फर्स्ट कौन करा नो में